खरगोन जिले में यातायात थाने के सामने संभाग स्तरीय उड़न दस्ते में परिवहन अधिकारी के साथ चालानी कार्यवाही की, जिसमें लोगों के साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि शासन की मंशा अनुरूप बिना हेलमेट चालकों पर उक्त कार्यवाही की गई, जिसमें त्योहारों के बीच आमजन परेशान दिखाई दिया। मामले की भनक लगते ही मीडिया भी मौके पर जा पहुंची और स्थिति को जाना। इस दौरान लोगों ने बताया कि जरूरी काम से आए थे और जबरन परेशान किया जा रहा है। वहीं शासकीय विभागों में चलाई जा रही प्राइवेट वाहनों की बात पर परिवहन अधिकारी ने अनभिज्ञता बताई और जांच करने की बात कहते हुए अपना दामन साफ तौर पर बचा लिया। बहरहाल देखने वाली बात तो यह होगी कि मामला संज्ञान में आने के बाद क्या परिवहन विभाग उचित कार्यवाही करेगा या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आदेश के तहत आज कार्रवाई कर रहे हैं, इंदौर की टीम भी आई है यहाँ पर। ग्वालियर से हम लोग को एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें इंदौर संभाग में जो है वो फ्लाइंग आकर और सीट बेल्ट और हेलमेट की चेकिंग करेगी। तो आज रोस्टर के अनुसार हमारे यहाँ खरगोन में चेकिंग हो रही है। मुझे प्राइवेट विभागों में गाड़ियाँ लगी हुई है, तो क्या कार्रवाई करें? मैंने आपको पहले भी बताया कि आज स्टाफ आया है, हम जा रहे हैं चेक करने। जामिया गांव से यहाँ रूम से रहता हूँ, रूम का सामान लेने आया था। क्या हुआ फिर यहाँ आए? फिर रोटियाँ गाड़ी वसूली करने आए हैं। कई अब क्या कहना पड़ रहा है इनका? कोर्स छुड़वाना, पैसे नहीं है अभी, कहाँ से? हम रूम रेंट से रहने वाले हैं। पैसे नहीं है आपके? फिर आप कैसे जाओगे? आप पेट्रोल डलवा के लाए थे वहाँ से, 200 रुपये का। कितना मांग रहा है पैसा? मजबूरी में आए थे सर। पैसे कितना मांग रहा है? 250 रुपये। पैसे नहीं है आपके? सर बस हम नहीं, एक तो ज़्यादा चलती गाँव में चलती नहीं हमारे वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत मंडल। अपने जो RTO की मैडम ने गाड़ी रोकी पुलिस थाना यातायात के सामने, और हमारी गाड़ी रोकी और 250 रुपये का चालान बनाया और हमको एक घंटा रोका। मैं वेयर हाउस में जा रहा था बिल देने शासकीय काम से, उसमें अवरुद्ध काम उन्होंने किया, मेरा समय लिया, वो इंतज़ार कर रहे वहाँ। उसके बाद उन्होंने मेरा 250 रुपये का हेलमेट, मेरा घर था, मैंने हेलमेट नहीं लाया था तो मेरे मुझे रुका और इन्होंने फिर मेरा चालान बनाया और 250 रुपये लिए। और मैडम की गाड़ी जो है वो उसमें परमिट नहीं है, वो क्यों चल रही है बिना, मतलब बिना पासिंग की? बिना पासिंग की वो क्यों? बिना पासिंग की वो मैडम की गाड़ी, बिना टैक्सी पासिंग की गाड़ी, उस पे नहीं कार्रवाई? वो क्यों चल? वो कार्रवाई होना चाहिए साहब, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से। क्या नाम है आपका? सीताराम जी यादव। कहाँ रहते हो? सकरखेड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।